Hey guys, welcome back to my channel. तो कैसे आप सब? देरी ना करके इंट्रो लगा के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. गाइस, आज मैं एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था यार. तो मुझे मैंने देखा इंटरनेट पे कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी कुछ भी एयरप्लेन या फिर कुछ भी नहीं जा सकता. इंटरेस्टिंग यार, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में. तो आज इसी के ऊपर होगा रिएक्शन. तो ये रही वीडियो, देखिए. जमीन पर सबसे पहले यही मकाम उभरा यानी बना, जहां काबा यानी खुदा का घर बना हुआ है. कुरान और साइंस दोनों के मुताबिक काबा पूरी दुनिया के बीच यानी सेंटर में है. काबा ऐसी जगह पर है जिसके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज या परिंदा नहीं गुजरा, ना ही चांद या सूरज कभी इसके ऊपर आते हैं. काबे को फरिश्तों ने जमीन पर कुछ भी पैदा करने से 1000 साल पहले तामीर किया, जिसकी बुनियाद सातों जमीन तक है. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है डार्क मिस्ट्री. और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि क्यों काबा शरीफ के ऊपर उड़ान भरने के लिए मना किया गया है. आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं. काबे को हजरत आदम ने इंसानों से सबसे पहले बनाया, जिसे तूफान नूह में उठा लिए जाने के बाद खुदा के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की मदद और हजरत जिब्रील की निगरानी में बनाया. काबे के एक कोने में लगा खास पत्थर हिजरे अस्वद, जो बरोजे हश्र हजियों की शफाअत करेगा, वो जन्नत में सजरे ममनुआ का निगरा फरिश्ता था, जो अपनी गैर हाजिरी में खा लिए जाने की पादाश में खुदा की नजरे हैबत से जोहर बनाकर खरासान के पहाड़ अबू कुबैस में बतौर अमानत रखा गया, जिसे खुद उस पहाड़ ने आकर हजरत इब्राहिम को सौंपा, फिर खुद को मक्के में ही रखना पसंद किया. काबा पृथ्वी का केंद्र है. ये किसी भी विचलन या विकृति के बिना पृथ्वी के मध्य में स्थित है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से इस स्थान पर चुंबकीय प्रभारों को आकर्षित करती है. ये सूर्य उदय का स्वागत करने वाला पहला बिंदु है. इन कारणों और इस तथ्य के लिए कि काबा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय किरणों के आकर्षण और संगम का केंद्र वैक्यूम क्षेत्र में हवा की परतें हैं, इसलिए काबा के ऊपर से उड़ना असंभव है, या तो पक्षी हो या हवाई जहाज, क्योंकि ये आकर्षण का चुंबकीय केंद्र है. ये वास्तव में विज्ञान की पुष्टि है, क्योंकि चुंबकीय आकर्षण, और यही कारण है कि सऊदी अरब में मक्का शहर में कोई हवाई अड्डा नहीं है. ये भी बताया जाता है कि पड़ोस में बड़ी संख्या में पक्षियों के बावजूद वे केवल काबा के चारों ओर उड़ते हैं, ना कि ऊपर में. ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि काबा पृथ्वी का प्रकाश है. काबा से आता है जो प्रकाश आकाश में अल्लाह के घर पर रोशनी के लिए अंतरिक्ष और पूरे आकाश को पार करता है, जो कि अल्लाह के घर के लिए सीधा रास्ता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. तो दोस्तों, इसी कारण से काबा शरीफ के ऊपर उड़ान भरने के लिए मना किया जाता है. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करें. और भी ऐसे दुनिया भर के रहस्यमय और रोमांच भरे तथ्य और कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डार्क मिस्ट्री. हेलो गाइस, एक बात बोलनी चाहती हूँ कि भगवान, मैं हिंदू हूँ, भगवान सर पे है, बट अल्लाह जो है ना वो दिल में है. तो माफ कीजिएगा, मैं किसी को, किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अल्लाह के साथ भी बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्ट हूँ और भगवान के साथ भी हूँ. तो दोनों ही, दोनों मैं बोलते हूँ ना कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सेम है मेरे सामने, क्योंकि मैं दोनों से जुड़ी हुई हूँ. और तो और कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे सच में विरह के लिए लगा कि मुझे पता ही नहीं था कि काबा शरीफ के ऊपर से, मक्का के ऊपर से कोई भी प्लेन या फिर कुछ भी ऐसे जो होता है ना ऊपर से नहीं जा सकता. दिस इज मिरेकल, आउटस्टैंडिंग यार. पहले हर पता चला मुझे,
और जो जो जिनको जिनको नहीं पता मैं सबको बोलूँगी ये बात। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये बताओ मुझे आके कमेंट सेक्शन पे। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।